साइको मीराबाई चानू, सो प्राउड ऑफ यू. आप जब जाते हैं कोई ना कोई नया रिकॉर्ड करके आते हैं, और आपसे अब ऐसा हो गया कि मीराबाई है तो फिर पक्का मेडल है, बट कॉमनवेल्थ गेम्स में हैट्रिक हो गया और आपने नया नया रिकॉर्ड भी किया. जो सिल्वर मेडलिस्ट थी उससे कम से कम 30 किलो ज्यादा आपका लिफ्ट था, कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ ये कंपटीशन और मैंने जो किया है मेरा परफॉर्मेंस, इसमें मुझे बहुत खुशी हूँ. और सबसे पहला ही इंडिया के लिए मैंने फिर से मेडल, गोल्ड मेडल मैंने दे पाई हूँ. ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और मैं बहुत ही खुशी हूँ इस कंपटीशन और इस परफॉर्मेंस में. तो सर भी बहुत खुशी है कि हम टोक्यो से वापस उधर जिसे सिल्वर मेडल दिया और इधर इसके बाद ही मेरा बड़ा कंपटीशन थी. तो सबसे पहला दिन ही मैंने गोल्ड मेडल दिया, तो ये मुझे बहुत ज्यादा खुशी है. Many people said there is no competition for you. You also said you are competing with yourself. आप अपने साथ ही कंपटीशन कर रहे हैं. जी. हाँ. But what motivates you? Tell me. हाँ, ये कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे लिए इजी है, सबको पता है. सर ने भी पहले ही बोला है कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स आपके लिए इजी है, पर आपके अंदर ही मतलब खुद को ही फाइट करना है आपको. आप जो भी किया है बेस्ट परफॉर्मेंस देने का तैयारी करना है कि ताकि हम आगे के लिए हम प्लान कर सके और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए. तो मैं खुद के ऊपर मैं बोलते रहती हूँ कि ये कॉम्पिटिशन मेरे खुद के ऊपर ही फाइट करना है आपको. तो आपकी जो भी आपने टेक्निक में या ट्रेनिंग में किया है उसको आप बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए खुद मेंटेन और सब मैं खुद किया हूँ. तो पूरा मैंने कोशिश किया है, पूरा किया मैंने, एफर्ट लगाया, खुद के ऊपर फाइट किया पूरा. आपने जो पहला ट्वीट किया उसमें आपका फैमिली और आपके फ्रेंड्स आपके गांव में झंडा लेके डांस कर रहे हैं, ये बहुत स्पेशल है. जरा बताइए इसके बारे में. जो फ्लैग पकड़ के जो सबसे पहला मैं डांस किया है, जो सामने सबसे पहले आगे है वो मेरा मॉम है, मेरा मम्मी है. वो मैं भी पता नहीं था, उन्होंने वीडियो भेजा मुझे ना. कॉम्पिटिशन खत्म होते ही मैंने मम्मी को कॉल किया और उठाया नहीं था मम्मी को. उन लोग तो इतना एंजॉय कर रहे थे, बाद में मुझे वीडियो भेजा तो देखा था. मैं आने से पहले उन्होंने तो इतना एंजॉय कर लिया, तो मुझे भी बहुत ही खुशी हुआ उन सबको देख के. उन्होंने बहुत ही प्यार दिया मेरे लिए, बहुत प्रे किए उन्होंने. तो हम इंडिया के लिए मेडल आए, तो बहुत मेरा फैमिली को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. बहुत ही ज्यादा हैप्पी है मम्मी, बहुत ज्यादा खुश है. देखिए, कुछ चीज है जो आप में, आपका मम्मी में और मेरे में कॉमन है आज अभी, वो है ये ट्राइकलर. मेरे यहाँ तो कोट के लैपल में लगा है, आपको तो पूरा जर्सी में लगा है. आपको झंडा लेके ये झंडे का क्या इंपॉर्टेंस है मीराबाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ. एंड आई वॉन्ट यू टू टेल आवर व्यूअर्स, अभी हमारा इंडिपेंडेंस का 75th ईयर भी है, 15 दिन में इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ. जब हम कंपटीशन के लिए कोई भी जगह मतलब हम इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने जब जाते हैं, तो हम सिर्फ जो इंडिया की फ्लैग जो है, ये पिंक कलर की जो फ्लैग है, उसी को हम ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस मानते हैं कि हर सोचते हैं कि हम हर जगह हम कॉम्पिटिशन खेलने जाए और वो हमारी तिरंगा जो है हम ऊपर ही अकेले इसको करते रहे. तो ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट भी होते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हाँ, हमने इंडिया के लिए कुछ करने का मौका मिला है और करके भी दिखाया है. और खुद के ऊपर भी प्राउड फील होते हैं कि इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए. तो हर जगह हम होते हैं कि और जो इंडिया का फ्लैग है, तिरंगा है, हर जगह हम ऊपर ही उनके नाम को हम करते रहेंगे. तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है तिरंगा, हमारे नाम और इंडिया के नाम को ऊपर करने. जब आप मेडल पोडियम पे खड़ी रहती है और वो फ्लैग ऊपर जाता है और नेशनल एंथम बजता है, क्या फीलिंग होता है? इस बार मुझे बहुत इमोशनल हुई थी कि इस बार कंपटीशन में इतना ऑडियंस आए थे कि इंडियंस बहुत ही ज्यादा क्राउड हुआ था. पहली बार हुआ है मेरे
जब मेरा कॉम्पिटिशन में शरफ मिले हैं, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिले हैं, जब मैंने मेडल के लिए पोडियम में खड़े किए तो हमारी फ्लैग जो है वो ऊपर जा रही थी, तो हम नेशनल एंथम जो है हम जोर जोर से गा रहे थे, तो वो मुझे बहुत इमोशनल भी हुआ और बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स मुझे मिलने आई, मेरे लिए देखने आई, मेरे लिए प्रे किया है। तो ये हर प्लेयर्स के लिए तो बहुत ही बड़ा मोमेंट होता है, तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत इमोशनल हुई उसी दिन, मैं आंसू भी आई थी। हाँ, तो मेडल का भी खुशी और जो फ्रेंड्स आए हैं मेरे लिए तो वो बहुत ही मतलब अच्छा है। आप तो हीरो हो गए हो, आप तो आइकन हो गए हो सबके लिए। जेरेमी कहता है मैंने मीरा दीदी को बोला कि मेरे सामने आके रुको, मीरा दीदी मेरे लिए मोटिवेशन है, बोलता है जेरेमी। तो सबको मोटिवेट कर रहे हैं आप, सबके लिए रोल मॉडल हो गए मीरा जी। हाँ जी, हम भी पहले बहुत बड़ी बड़ी सीनियर लोग को हम देख के उनसे सीखा है, हमने सीखी है कि क्या करना है, क्या क्या उनसे हम क्या क्या सीखना जरूरी है, वो सब देख के आई हूँ, हम बड़ी हुई हूँ। तो शायद उन्होंने भी मेरा परफॉर्मेंस और जो मेरा मेडल को उन्होंने रेस्पेक्ट किया है, तो शायद उसकी वजह से उन्होंने मुझे मानते कि अच्छी बेस्ट प्लेयर्स ऐसा। तो मैं भी हर हम लोग हर मतलब टीम में टीम वर्क में रहते हैं कि मेरा कॉम्पिटिशन खत्म हुआ तो उनका मुझे चेयर अप करना जानना है, उनकी हम इंडिया के लिए मेडल देना है और वेट लिफ्टिंग को ऊपर करना है, और हर कैटेगरी में हम सोचते कि एक मेडल तो जरूर लेके आने के लिए और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। एक बात बताइए, इंडियन एथलीट्स को और इंडिया को अब लोग अलग थोड़ा दिखते हैं, अलग से दिखते हैं, कुछ डिफरेंस लगता है आपको? इंडियन और दूसरा कंट्री, जैसे इंडियन एथलीट्स और इंडियन टीम को जब दुनिया पहले देखती थी और आप देखती है, उसमें कुछ एक फर्क लगता है, डिफरेंस लगता है थोड़ा सा, और ऐसा लगता है कि रिस्पेक्ट से देखते? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, हम साथ में हैं, सेम है, इंडिया इंडिया है। हम पूरा टीम है। नहीं नहीं, टीम को दूसरे लोग कैसे देखते हैं, मैं कह रहा हूँ इंडियन टीम को और इंडियंस को, और इंडियन जब आप जाते हैं कॉम्पिटिशन में तो ऑपोजिशन ओपोनेंट्स दूसरे देश का लोग हमें कुछ अलग तरीके से देखते हैं, एक थोड़ा रिस्पेक्ट ज्यादा हो गया? हाँ जी, वो तो होना होते ही है कि हमको फाइट करने जाना है, मेडल जीतना है, तो वेलिटी के लिए और इंडिया के लिए हम नाम रोशन करना है, तो हम जो भी हम बाकी टाइम है हम फ्रेंड्स है, पर